बहुत शानदार चीज़ बना रहे हैं। आज हम स्वीट में चने की दाल की कतलियाँ बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये आधा किलो दाल ले ली है। इसको 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया है। अब ये बनने के लिए तैयार है, हम इसे बॉईल करेंगे। इसमें हम 1/4 लीटर हमने पानी डाल दिया है, यानी कि 750 ml पानी डाल दिया है। गैस ऑन करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। चने की दाल की कतलियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं, तो ये मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है। इसमें हम इसको बॉईल करेंगे। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करनी है हमें, हम ये थोड़ी सी खड़ी खड़ी रखनी है। आप चाहें तो इसे कुकर में भी कर सकते हैं बॉईल, मगर मैं आज इसको इसी तरह से कर रही हूँ, तो होने देते हैं इसे। 10 मिनट बाद चेक करते हैं। ये देखिए हमारी दाल बॉईल होने लगी है। इसके ऊपर ये जितना भी वाइट वाइट आएगा हम इसको हटा देंगे। आइए चेक कर लेते हैं दाल को। हमें ये इसी तरह की चाहिए, बहुत ज़्यादा मैसी नहीं चाहिए। जैसे इस तरह करें और ये बिल्कुल ज़्यादा मैसी हो जाए तो वो अच्छी नहीं रहती दाल, उससे बहुत ढीला ढीला और पानी का सा टेस्ट आएगा हमारे हलवे में। तो हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे और दाल को ठंडा कर लेते हैं। दाल का पानी हमने ड्रेन कर दिया है, अब ये पीसने के लिए तैयार है। आप इसे सिलबट्टे से भी पीस सकते हैं, अब तो मिक्सियाँ हैं, जल्दी काम हो जाता है, तो हम मिक्सी में टर्न करेंगे। तो इसे पीस कर लाते हैं। सारी दाल पीस ली है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये 1 कटोरी घी है, इसमें हम ये घी डाल देंगे। ये 2 टेबल स्पून भर के है, ये मेरा ये 1 टेबल स्पून है। घी मेल्ट होने देते हैं। देखिए ये हमने दाल पीस ली है चने की, ये हमने इस तरह से पीसी है, इस तरह होनी चाहिए। मोटी मोटी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, मतलब अच्छी सी पिसी हुई होनी चाहिए। घी गर्म हो रहा है, इसमें जो ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो उसमें वो दिखा देते हैं। ये मैंने 10-15 बादाम ले लिए थे, इनको इस तरह से कट कर लिया है। और ये ऐसे ही मैंने काजू ले लिए हैं, इनको 2 पीस में कर लिया है। 2 टेबल स्पून चिरौंजी ली है, 1.5 टेबल स्पून ये खरबूजे की मींग है ये ले ली हैं, और 1.5 टेबल स्पून ही किशमिश है ये ले ली हैं। ये सब हम अंदर डालेंगे हलवे के। ये नारियल है, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है, ये देखिए इसको ग्रेट कर लिया है, तो ये इसमें जाएगा। घी हमारा गर्म हो चुका है, ये दाल हम इसमें डाल देंगे। इसको भूनेंगे अब हम। इसमें हमें कम से कम 10-15 मिनट लग सकते हैं, आराम आराम से ही भूनती है ये। बस इसी में थोड़ा टाइम लगता है दाल भूनने में, वरना ये बहुत जल्दी से बन जाता है। तभी इसमें सौंधा सौंधा बेहतरीन सी बहुत अच्छा सा जायका आता है। तो इसको बहुत ही इत्मीनान से हमें भूनना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। हमें 5 मिनट हो गए हैं दाल को भूनते हुए, ये भी भुनी नहीं है। ये देखिए ये इस तरह से भी ढीली सी हो गई है। भुनते भुनते एक बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और ये ड्राई हो जाएगी। तो चलिए भूनते हैं इसको। अब ये ड्राई होने लगी है, तो इसमें अब हमें सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे। ये सारा काम हमने मीडियम फ्लेम पर करा है, हाई पर नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें आप फ्लेम का ज़रूर, वरना इसका लगने का और इसमें अजीब सी स्मेल आ जाएगी कि कहीं से लग जाएगी, कहीं से कच्चा कहीं से पक्का, तो इस तरह का ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों में। ये देखिए हमारी दाल भुन चुकी है, कितनी खिली खिली हो गई है अब ये। तो इसका मतलब ये है कि ये भुन चुकी है और इसमें से बहुत ही बेहतरीन खुशबू आने लगी है, सौंधी सौंधी सी। तो इसी तरह हमें ये तैयार करनी है। थोड़ा इसमें टाइम तो ज़रूर लगता है, मगर बहुत ही जायका और खाने में लाजवाब होती है ये कतलियाँ। मूंग की दाल का हलवा है, चने की दाल की कतलियाँ हैं या हलवा है, इनका जायका ही बहुत बेहतरीन होता है। तो यहाँ हम अपनी गैस ऑफ करेंगे
ये हमने कढ़ाई रख दी है और ये हमने 2 टेबल स्पून भर भर के घी डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा घी अच्छा ही लगता है क्योंकि दाल थोड़ी ड्राई होती है तो घी मांगती है। हमने ये आपको जो ड्राई फ्रूट्स दिखाए थे हम इनको घी में फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैं काजू डालूंगी, ये 1 मिनट ही फ्राई करने हैं। निकाल लेंगे, बादाम डालेंगे, किशमिश डाल देंगे और ये चिरौंजी भी डाल देंगे इसमें। इनको भी कुछ ही देर फ्राई करेंगे, निकाल लेंगे। ये 1 कप चीनी डाल देंगे और ये 1/3 यानी कि हमने इसमें 1.5 कप चीनी डाली है, 1 कप और ये हमने थोड़ा सा बचा लिया है, ये 2 कप पानी डाल दिया है। इसकी हम चाशनी बनाएंगे। ये 5 हरी इलायची ली है, ये मैं चाशनी में ही डाल दूंगी। ये चीनी मेल्ट हो चुकी है और इसमें ये मैं ऑरेंज फूड कलर डाल रहे हैं। आप अगर ना डालना चाहें तो ना डालें। कम से कम 10 मिनट लगेंगे चाशनी बनने में हमारे। ये 1 टीस्पून मैंने केवड़ा वाटर लिया है, ये डाल देंगे। अगर आप केवड़ा वाटर की जगह केवड़ा एसेंस डाल रहे हैं तो उसमें सिर्फ हमें 2-3 ड्रॉप ही डालनी है। बनने देते हैं चाशनी। ये कलर हमने इसलिए पहले डाला है कि इसमें जो कलर की स्मेल होती है वो निकल जाएगी, चाशनी के साथ ही बनता पक जाएगा। और इसी में ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम ये डाल देंगे। नारियल है इसमें से, ये हम आधा डाल देंगे इसी में। अभी इसे बनने में 10 मिनट लगेंगे। ये देखिए अभी इसमें 1 तार नहीं आया है। बनने देते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है इसका कलर। ये देखिए इस तरह से इसमें ये आना चाहिए तार, ये आ चुका है 1 तार। 1 तार की चाशनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें आराम आराम से ये दाल डालेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम इसे। ये हमारा तैयार हो चुका है 1 डो। हम इसे एक ट्रे में, इसे हमने घी से ग्रीस कर लिया है, ये सारे हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। इसे हमने दबा दबा करके बहुत टाइटली सेट कर लिया है। अब हम इस पे नारियल डाल देंगे। ये पिस्ता है, ये डाल देंगे। इसी में ये बादाम ले लिए हैं। अब हम इनको हाथ से इस तरह प्रेस कर देंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इसके अंदर ही सेट हो जाएं। 5 मिनट तक हम इसे इसी तरह रहने देंगे और इसमें फिर हम कट्स लगाएंगे। ये देखिए हमारा ये 5 मिनट से सेट हो चुका है। अब ये थोड़ा सा गर्म है, हम इसमें अभी से ही कट लगाएंगे वरना ये फिर इसमें कट नहीं लगेंगे। आप जैसे चाहें, जितना बड़ा चाहें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। शबरात भी आने वाली है, ज़्यादातर शबरात पे बनता है मगर हम कभी भी बना करके एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। इस तरह लगाएंगे इसमें। ये देखिए
ये देखिए हमने सारे कट्स लगा लिए हैं इसमें। अब इसे जमने देते हैं, कम से कम इसे 15-20 मिनट रहने देंगे इसी तरह से, तब इसको निकालेंगे। कतलियाँ सेट हो चुकी हैं, ये 1 घंटे से रखी हुई हैं। चलिए निकालते हैं। ये देखिए, ये लीजिए हमारी चने की दाल की कतलियाँ बनकर तैयार हैं। कितनी शानदार लग रही हैं और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आप यकीन मानिए इनका जायका बहुत पसंद आने वाला है आपको। आप ज़रूर बनाएं और हमारी तरह बनाएं।